डिप्टी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ शुक्ला और एसडीएम सिद्धार्थ वर्मा ने जोमिनी सर्कस का शुभारंभ किया। वहीं जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ वर्मा सपत्नीक सर्कस में पधारे और काफी समय तक सर्कस का आनंद लिया। इस दौरान एसडीएम जसवंत नगर भी सर्कस देखने के लिए पहुंची। सर्कस के पहले शो में दर्शकों की काफी भीड़ देखने को मिली। सर्कस मालिक रजा खान ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सर्कस खत्म होते जा रहे हैं। विदेशों में सरकार सर्कस को बढ़ाने के लिए स्टेडियम बनवाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब तक दर्शक आते रहेंगे उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। सर्कस में जो कलाकार होते हैं काफी साहसिक कार्य करते हैं, इनको देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण आते हैं और एक अच्छा मनोरंजन भी होता है, पेड़ा भी होती है। और रहा कि हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद से दुनिया कायम है और हमारा जो काम है लोगों का एंटरटेनमेंट करना, स्वास्थ्य मनोरंजन करना, और जो सर्कस के आर्टिस्ट हैं जिनके पास और कोई रोजगार नहीं है सर्कस के अलावा, तो उनके लिए भी, और जो इस सर्कस से तमाम लोग जुड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, एड डिपार्टमेंट है, बहुत से लोग लेबर हैं, वर्कर, उनको भी रोजी रोटी मिलती है। तो हम लोग अपना काम करते रहते हैं, बाकी फल देना परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का काम है। वो अगर चाहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं चाहेगा तो फिर हमें तो हर हाल में खुशी रहना है। नहीं, अक्सर देखा गया कि सर्कस धीरे धीरे कहीं ना कहीं कलवर क्या हर चीज चेंज हो रही। पहले सिनेमा हॉल वगैरह थे तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट था, एंटरटेनमेंट होता था, वो बंद हो गए। ऐसे सर्कस थे, पहले लायन थे, टाइगर थे, एलिफेंट थे। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है तो उसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ने जानवरों को बैन कर दिया। तो सर्कस में जो बच्चे थे ना, जो जानवर देखना चाहते थे, अब उनकी तादाद कम हुई है, लोग टाइम निकाल के आ जाते हैं।